In today's podcast, we are going to talk about the reality of the desire. Now, I have spoken about all these things a lot in the past or last video में भी मैंने, sorry, podcast में भी मैंने काफी बार ये जिक्र किया था कि desire से बंधन बनता है और lot of things. But I know कि a lot of people have द अटेंशन स्पैन ऑफ यू नो वेरी इट्स लाइक काकरोच के लेवल पे अटेंशन स्पैन है आप सब का तो अच्छा है कि अगर ज़्यादा है तो मतलब मैं एक मास को देख के बात कर रहा हूँ स्टिल आई विल बी फर्दर सिंप्लीफाइंग द एंटायर थिंग टूडे लेट स्टार्ट फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू

आप जिम रोज जाते हो पर वो क्या वो कंपल्सिव हो आप जब चाहो तब छोड़ सकते हो नहीं सिर्फ जो तीसरे लेवल पे यानी तामसिक चीज़ें हैं वो कंपल्सिव होती हैं बिकॉज वो इमीडिएट प्लेजर देती हैं जैसे सुट्टा गांजा सेक्स मैस्टिवेशन नेटफ्लिक्स ऑल दैट अब दो चीज़ें इसमें बहुत ज़रूरी है समझना कि जो डिज़ायर है उसकी आपके मन के अंदर जो रियलिटी बनी है जो इमेज बनी है और एक्चुअली वास्तविकता में जो वाकई में जो डिजायर सामने है उन दोनों में फर्क को समझना जरूरी है हम हर चीज को अप्रोच करते हैं यह सोच के कि उसमें सेटिस्फैक्शन है प्लेजर है मजा है बट एक्चुअली में जब हम वो चीज करते हैं और फाइनली हम जब वो पा लेते हैं तो हम ये फील करते हैं कि आ, दो तीन चार महीने बाद वो सैचुरेट हो जाता है और वहाँ पे संतुष्टि मिलना या, या सेटिस्फैक्शन मिलना बंद हो जाता है यहाँ पे ये जो मैं बातें अभी बोली ये जो मैं बोल रहा हूँ कि कि एक्चुअली में आ, आ, ये होता है यही कई लोग पकड़ नहीं पाते हैं देखिए शायद आपके मन में इस चीज़ की स्वीकारता तो हो कि लैपटॉप आपने एक दिन खरीदा बचपन में आपने कंप्यूटर खरीदा लैपटॉप ख़रीदा और आपने बहुत सपने देखे थे कंप्यूटर आएगा तो मैं वाइस सिटी खेलूँगा कंप्यूटर आएगा तो मैं जी टी एस एंड्रियास खेलूँगा कंप्यूटर आएगा तो मैं अगर आज के ज़माने में देखा जाए तो पबजी खेलूंगा या खेलूंगा धीरे धीरे जब कंप्यूटर के सपने आपने देखे तो पाँच छः महीने बाद आपको आपके माँ बाप ने कंप्यूटर दिला दिया लैपटॉप बोल सकते हो या मोबाइल बोल सकते हो लेकिन पंद्रह बीस दिन बाद तीस दिन बाद चालीस दिन बाद जब आपने बहुत सारा पब्जी खेल लिया काउंटर स्ट्राइक खेल लिया सारे गेम्स खेल लिए या कंप्यूटर से जुड़ी हुई वो हर चीज़ कर ली जो कंप्यूटर में थी अब आपको कंप्यूटर नहीं चाहिए होता है अब आपको बाइक चाहिए होती है या बाइक के अलावा अगर आप देखो तो मोबाइल में भी चाहिए होता है मे भी आपको कुछ और चाहिए होता है तो अभी हम यहीं रुकते हैं हम आगे नहीं बढ़ते हम कंप्यूटर पर ही रुकते हैं यह कंप्यूटर वाला एग्जाम्पल सब रिलेट कर रहे हैं इस समय लेकिन द मोमेंट आयल से कि आपको करोड़पति बनना है और करोड़पति बनना भी कंप्यूटर जैसा ही है द मोमेंट आयल से कि आपको अरिजीत सिंह बनना है अक्षय कुमार बनना है और यह सब बनना भी कंप्यूटर जैसा ही है यहां पे आप मेरे से डेक्नेशन में चले जाओगे आप डिक्लाइन कर दोगे आप पता है क्या कहोगे आप कहोगे पार्थ कंप्यूटर की बात अलग है करोड़पति बनना अलग है है ना अक्षय कुमार बनना अलग है सेलिब्रिटी बनना अलग है इंस्टाग्राम पर लाखों की फॉलोइंग होना अलग चीज़ है कंप्यूटर पे करना अलग चीज है यहीं पे प्रॉब्लम होती है लोगों को जो मैं जंप ले रहा हूं ना ये प्राइवेट जेट खरीदना और ये एक्टर बनना सिंगर बनना फेमस होना नाम कमाना पैसे कमाना पद प्रतिष्ठा सम्मान कमाना ये जो जंप मैं ले रहा हूं ना ये जंप तुम्हें स्वीकार नहीं है यू विल नॉट यू आर नॉट एक्सेप्टिंग दिस जंप बिकॉज यू हैव सम डाउट इन दिस आप मेरी बातों से शायद स्वीकारता पे जा रहे हो बट संदेह शक है यू हैव अ डाउट संदेह है तुम्हें कि ये पार झूठ बोल रहा है क्योंकि अगर ये सच बोल रहा होता तो पूरी दुनिया including my father, mother, my family, everybody is aspiring to become a singer, aspiring me to become a successful crorepati, aspiring me to become very famous, aspiring me to go into KBC, aspiring me to become a... UPSC a successful aspirant, or let's say UPSC, the peak of UPSC, which is called ISIPS. So how can... एंटायर वर्ल्ड lie कैसे ये पूरी दुनिया झूठ बोल सकती है और पार्थ सिंह सिर्फ सच बोल सकते हैं और पार्थ क्या है क्या तीन हजार सब्सक्राइबर दो लाख सब्सक्राइबर म्यूजिक चैनल पे एक हिडन पर्सनालिटी जो किसी से बात नहीं करता क्योंकि दस मिलियन वाले भी हैं पचास मिलियन वाले भी हैं सत्ताईस मिलियन वाले भी हैं वो तो ये बात नहीं कर रहे ना कोई मोटिवेशनल स्पीकर ये बोल रहा है कि सक्सेस 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 में कंप्यूटर की तरह फील आती है हां गीता में लिखा हुआ है लेकिन वो तो पुराना जमाना है हां कृष्णमूर्ति बोलते थे लेकिन वो तो मर गए हां ओशो बोलते थे लेकिन वो भी मर गए तो हमने तो उनको सुना ही नहीं है ओशो है कौन देर इज नो ओशो मैं ये नहीं चाहता हूं कि जब ये होता कौन है पार्थ सिंह बोलने वाला जब शाहरुख खान नहीं बोल रहे अक्षय कुमार नहीं बोल रहे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी नहीं बोल रहे हैं तो आप होते कौन है ये बोलने वाले कि सक्सेस जो है वो कंप्यूटर की तरह होती है अब यहीं पे आपको रुकना है और यहां पे मुझसे कुछ दस बारह लोग कनेक्ट करेंगे लेकिन बाकी के जो सौ लोग सुन रहे हैं या नब्बे लोग सुन रहे हैं नाइन्टी प्रतिशत लोग यहां पे मेरे से एक्सेप्ट नहीं करेंगे वो कहेंगे व्हाट द फक इज रॉन्ग विद दिस गाय ये ये कहना चाहता है कि कंप्यूटर खरीदा तो बोर हो जाओगे तो मैं करोड़पति बन जाऊंगा तो मैं बोर हो जाऊंगा क्योंकि अगर सच में बोर बोरडॉम होती बोरियत होती तो आज बॉलीवुड सेलिब्रिटीज यही बोल रहे होते अगर सच में सक्सेस में कुछ नहीं होता तो आज हॉलीवुड सेलिब्रिटीज यानी पेट एंजेलिना जॉली इन लोगों ने भी आके बात करी होती ये होता कौन है तीन हजार सब्सक्राइबर पर बैठने वाला चक्कर सारा का सारा क्या है ना कि आप कभी भी किसी को अपने शब्दों से एक्सपीरियंस नहीं करा सकते हो आदमी को खुद चीजें हासिल करनी है मेटेरियल सक्सेस हासिल करनी है मेटेरियल पोजेशन हासिल करने हैं और तभी आदमी को समझ में आएगा आप में से कई लोग करोड़पति नहीं है आप में से कई लोग सेलिब्रिटी नहीं है आप में से कई लोग हॉलीवुड तो बिल्कुल नहीं है बॉलीवुड भी नहीं है आप में से कई लोग के पास रेंज रोवर नहीं है आप में से कई लोग के पास होंडा सिटी तक नहीं है आप में से कई लोग के पास बाइक तो है पर आप एक्सेप्ट नहीं करना चाहते कि यू आर बोर्ड विद योर बाइक सो आप यह कहते हो कि मैं अगेंस्ट टू डिजायर के मैं अगेंस्ट नहीं हूं मैंने कभी नहीं बोला डिजायर को परस्यू मत करो कभी नहीं और आप मेरी क्यों सुनोगे मुझे तो पहले आपको करोड़पति बनके दिखाना पड़ेगा तब भी आप नहीं सुनोगे आपको क्या लगता है आज कोई बॉलीवुड सेलिब्रिटी आके अगर बोल दे सत्य क्या है तो क्या तुम्हें समझ में आने वाला है क्या तो मेरी बात क्यों कर रहे हो मुझे क्यों करोड़पति बनके तुम्हें साबित करना है कि मुझे क्यों लाखों सब्सक्राइबर क्योंकि तुम साले तोलते ही इसी पे हो तुम लोग कि जब तक आदमी मेटेरियल भाई स्पिरिचुअली रिच होना मतलब यह नहीं होता है कि मेटेरियल रिचनेस होना चाहिए आपको क्या लगता है बड़े से बड़े बाबाओं का अगर मैं नाम लूं तो वो सब क्या अमीर थे क्या कौन अमीर रहा यार अमीरियत धन से होती है मेंटल साइकोलॉजिकल वर्ल्ड में अमीर होना एक अलग चीज होती है और बाहर अमीर होना भी अलग चीज होती है तो क्या मैं अमीरों के खिलाफ हूं या मैं रिच होने के खिलाफ हूं नहीं मैंने कब बोला मैं बस ये कह रहा हूं कि कंप्यूटर वाला एग्जांपल याद करो बस मैं ये कह रहा हूँ यही होने वाला है तुम्हारे साथ आगे भी चाहे तुम बाइक ले लो अब इसको हम थोड़ा आगे लेके जाते हैं अब आपने कंप्यूटर खरीद लिया अब आपने वाई सिटी खेल लिया सैनिन्ड्रियास खेल लिया पबजी खेल लिया ज्यादातर गेम्स के मुझे नाम आते नहीं है आपने जी टी फाइव डाउनलोड कर लिया वो भी खेल लिया है ना अब क्या होगा अब आपका मन जंप करेगा कि मुझे अब बाइक लेनी है अब आपने एक अच्छी सी बाइक देखी और आपने यामाहा आर वन फाइव निकाल ली निकाल ला है शोरूम में अब उस आर वन फाइव को निकालने से पहले तीन चार महीने तुमने अपने मन में सोचा कि जब आर वन फाइव आ जाएगी वेन द बाइक विल कम तो मुझे ये ये चीज़ें करनी है आर वन फाइव के साथ वो क्या करनी है फॉर एग्ज़ाम्पल लद्दाख जाना है फॉर एग्ज़ाम्पल मनाली जाना है फॉर एग्ज़ाम्पल अपने दोस्तों को घुमाना है फॉर एग्जाम्पल अपनी गर्लफ्रेंड को घुमाना है फॉर एग्ज़ाम्पल तुम ये सोच रहे हो कि मैं अपने ऑफिस तक जाऊँगा वापस आऊँगा कन्वीनियंस होगा मेट्रो नहीं लेनी पड़ेगी बस नहीं लेनी पड़ेगी है ना ये सब कुछ तुमने करके देख लिया सोच लिया कर लिया अब जैसे ही बाइक आई अब तुमने वो सपने पूरे किए लेकिन यहाँ तक प्रॉब्लम नहीं है प्रॉब्लम यह है कि जो मेंटल इमेज थी कि बाइक तुमको खुशी प्रदान करेगी तुम्हारी जिंदगी सेट हो जाएगी लाइफ में एक्साइटमेंट होगा यह एक्साइटमेंट दो से तीन महीने तक रहता है और उसके बाद वो एक्साइटमेंट नीचे गिर जाता है यहां तक इमेजिन हो रहा है यहां तक शायद सब रिलेट कर पा रहे होंगे लेकिन द मोमेंट आयल से कि आपको सेलिब्रिटी बनना है या सिंगर बनना है एक्टर बनना करोड़पति बनना तो आप कट जाओगे मेरे से क्यों क्योंकि अभी आप हो नहीं वो अभी आप करोड़पति हुए नहीं हो अभी आप सिंगर नहीं बने हो आप, आप आप एक्टर नहीं बने हो या आपको कुछ भी बनना है आर्टिस्ट नहीं बने हो जो भी बनना है आपको आप आईएस आईपीएस की तैयारी आप आपके पास लाल बत्ती नहीं आई अभी तक आपको नहीं पता क्या होता है लेकिन जैसे ही वो होगा मैं आपको गारंटी के साथ लिखवा के देता हूँ ये बाइक वाली सिचुएशन होगी ये ये कंप्यूटर वाली सिचुएशन होगी और ऐसे ही हमें पार्टनर की तलाश होती है जैसे बाइक की तलाश होती है वैसे पार्टनर की तलाश होती है हम बहुत स्ट्रगल करते हैं बाइक के बाइक को मिलने के लिए भी हम पैसे कलेक्ट करते हैं उसके बाद हम डाउन पेमेंट पर बाइक निकाल वैसे हम पार्टनर भी खोजते हैं और फाइनली एक लड़की हमें मिल जाती है या लड़का मिल जाता है और फिर हम वो सारी चीजें करते हैं मेंटली और फिजिकली जो हमारी वासनाएं थी जो हमारे सपने थे जो हमारे ख्वाब थे फॉर एग्जाम्पल आपने कहा कि मुझे किस करते हुए नीचे आना है और उसकी ब्रा को उतारना है और अंदर देखना है क्या होता है तो एक ये हो गया आपका वासना फिर आपने सोचा कि मैं मेरे पीछे लड़की बैठी रहे और मेरे से बात करती रहे रात में मुझे अच्छा नहीं लगता तो कोई हो जिसके साथ मैं बात करते करते रात में सो सकूं लेट से दो बजे तक तीन बजे तक लोग बात कर रहे हैं लड़के लड़की तो आपने ये एक डिजायर समझ लिया फिर आपका डिजायर है उसकी ब्रा के अंदर देखना फिर आपका डिजायर है उसको रात भर बात कर तो मानसिक सपोर्ट हो गया शारीरिक सपोर्ट हो गया यहां तक क्लियर हो रहा है अब धीरे धीरे दम जैसे जैसे ये चीजें लूप में जाती जाएंगी लूप मतलब क्या डे वन को हुआ डे टू डे थ्री डे फोर डे फाइव बाय द टाइम इट रीचेस टू अराउंड डे वन फिफ्टी और डे थ्री सिक्सटी फाइव आपको आपके उसकी ब्रा के अंदर जो कुछ भी है चाहे बड़े ब्रेस्ट हैं छोटे ब्रेस्ट हैं बड़े बड़े एरियोलाज हैं छोटे एरियोलाज हैं बड़े निपल है छोटे निप्पल जो भी आपका है आप उससे बोर हो जाओगे और अब आप आपको अभी जंप नहीं करते हैं पहले हम इतना देखते हैं अब आपको सोचेगा कि आप और अच्छे से एक्सप्लोर करो तो आप कामा के सारे पोजिशन ट्राई करोगे अब ये फिजिकल हो गया आपका वहां पर भी एक साल में यू गेट बोर्ड अब आता है सवाल कि मानसिक सपोर्ट क्या होता है मानसिक सपोर्ट पे फॉर एग्जांपल इमोशनली उसने सपोर्ट क्या किया रात में तीन बजे तक बात करती थी एक साल बाद आप इतनी बात नहीं कर सकते यार कि रोज रात में तीन शुरू में आप तीन बजे तक बात कर रहे हो चार बजे तक बात कर रहे हो लेकिन फिर धीरे धीरे आप देखोगे आपका मन रिजिस्ट, रिजिस्ट करने लगेगा आपका मन रिजिस्ट करेगा ठीक है और आप कहोगे यार दो तीन मिनट में बात करके खत्म अब जैसे बहुत सारे यहाँ पे लड़के हैं उनकी गर्लफ्रेंड होगी क्या वो रात में तीन बजे तक रोज बात कर रहे हैं क्या वो चार बजे तक बात कर रहे हैं हाँ तब कर सकते हो जब आपका रिलेशनशिप तीन चार पाँच महीने पुराना है हाँ अगर एक साल पुराना है तो आप हंड्रेड आप चार बजे तक बात नहीं कर रहे होगे हाँ कभी कदार हो गई तो हो गई लेकिन कई लोग तो वो भी नहीं करते कहते सोने दो यार सोना है सोना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहां तक क्लियर हो रहा है अब हम जंप लेते हैं अब ये लूप में चला गया मानसिक और शारीरिक लड़की के साथ रहना बाइक आ गई कंप्यूटर आ गए तीन चीजें देखी हमने अब धीरे धीरे क्या होगा कि अब आपको दूसरी लड़कियों के स्तन आकर्षित करने लगेंगे फिजिकल में अब आपको एक और गलतफहमी होती है कि यार ये लड़की को तो मैंने अच्छे से सेक्स कर लिया अब यार कोई और मिल जाए तो और मजा आने वाला है फिर ये साइकिल जो है लड़कियों में आगे चलती जाती है एक की लड़की पे दूसरी लड़की लेकिन पहली वाली को पता चला तो रिलेशन ख़राब हो गया तो मानसिक सपोर्ट हट गया बस शारीरिक शारीरिक रह गया फिर दूसरी वाली को पता चला वो कहती है भाड़ में जाए ये भी तो वो भी शारीरिक भी दो दो शारीरिक मिल रहे थे आपको दोनों शारीरिक खत्म हुए एक मानसिक तो खत्म हो ही गया मानसिक सपोर्ट की बात कर रहा हूँ यहाँ तक क्लियर हो रहा है आई होप अगर यहाँ तक क्लियर हो रहा है तो ड्यूरेशन मार्क करके प्लीज़ नीचे में बोले कि हाँ भाई क्लियर है समझ में आ रहा है क्योंकि इससे ज़्यादा मैं सिंप्लीफाई नहीं कर सकता हूँ मैं आपको एक हार्ड दूंगा डेफिनेटली अगर आप ऐसा करोगे तो अब सवाल आता है कि इसके आगे क्या होता है अब इसके आगे आदमी को फिर से एक गलत फहमी होती है कि यार ये लड़की मेरे को छोड़ के चली गई साला पैसा नहीं है मेरे पास अब आदमी को लगता है मुझे करोड़पति बनना है लेकिन मैक्सिमम लोगों की ये विश पूरी नहीं हो पाती तो आपको मरते दम तक ये भ्रम रहता है कि करोड़पति बन जाते तो लाइफ एक्साइटिंग एक्साइटिंग हो जाती है। तो आप तो मर गए ठीक है आपका ये पूरा नहीं हुआ तो आपको कभी पता ही नहीं चला डिजायर का अब जिसका पूरा हो गया लेट से कि आप पढ़ाई किया आपने अच्छे से और आप करोड़पति बन गए वहां पे भी आप यही सब चीजें फील करोगे जो मैंने बताया कि इट गोज ऑन अ फकिंग लूप हो कि आप कुछ नहीं खरीद सकते इट विल गो ऑन अ लूप इसको चक्र व्यू बोलते हैं चक्र चक्र मतलब सर्कल माया का चक्र बोलते हैं इसको माया का चक्र माया मतलब क्या होता है हर एक चरण पे जब एक डिजायर फुलफिल हो जाता है जब एक आदमी कंप्यूटर खरीद लेता है तो उसको एक गलत फहमी होती है कि बाइक खरीद लें जब बाइक खरीद लेता है तो उसको गलत फहमी होती है लड़की को पीछे बैठा के बाल उड़ाएं तो उसको मजा आएगा और जब लड़की को पीछे बैठा लेता है तो अंदर से गलत फहमी होती है यार आईफोन ले ले फिर आईफोन जब ले लेता है तो उसको गलत फहमी होती है कि आप कार ले लें फिर जब कार लेता है तो उसको गलत फहमी होती है कि अब भैया हमको एक करोड़ रुपए कमाने हैं तो जैसे ही अब यहां पर ब्रेक थ्रू पॉइंट आ रहा है ठीक है समझने की कोशिश करना मैं थोड़ा पॉज देता हूं फिर बोलता हूं जैसे ही एक डिज़ायर की पूर्ति होती है ऐसे ही एक दूसरा डिजायर बन जाता है यह गलत फहमी पालते हुए कि यह वाला डिजायर बेकार है इससे थोड़ा बड़ा डिजायर अगर मिल जाएगा तो खुशी मिल जाएगी इसमें कहीं भी इस पूरे के पूरे चरखे में कहीं भी खुशी नहीं है तो अब सवाल आता है अब एक और सवाल उठता है अगर इसको हम प्रॉपर क्वेश्चन करें तो एक और सवाल उठता है यार अगर इन सब में कहीं खुशी नहीं है तो ये बॉलीवुड सेलिब्रिटीज हो गए या कोई क्रिकेटर हो गया या कोई सक्सेसफुल आदमी हो गया वो इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे प्राइवेट जेट से निकलता है और कार से निकलता है और इंटरव्यूज में ये बोलता है कि मुझे मेरे फैंस बहुत प्यारे हैं और ये तो वो बोलता क्यों है वो ये क्यों नहीं कह देता कि मैं खुश नहीं हूं वो ये क्यों नहीं कह देता कि लाइफ में एक्साइटमेंट नहीं है एवरीथिंग गोज ऑन अ फकिंग लूप क्यों नहीं आके बोल देते एक पिक्चर हिट हो जाती है फिर एक और पिक्चर हिट हो गई फिर एक और पिक्चर हिट हो गई आज हजार करोड़ कर लिया पंद्रह सौ करोड़ कर लिया तो ये बोलते क्यों नहीं अगर पार्थ सिंह जो तीन हजार सब्सक्राइबर पे बैठा हुआ है जिसके पास कुछ नहीं है फकीर है सब्सक्राइबर के एरिया में अगर देखा जाए तो वो अगर फकीर है तो मैं इसकी बात क्यों सुनूं मुझे तो शाहरुख खान की बात सुननी चाहिए ना मुझे तो अक्षय कुमार की बात सुननी चाहिए पर मैं पार्थ की बात क्यों सुनूं मैं अब मेरी बात सुना ध्यान से मेरी बात सुननी नहीं आपको ना ही तुम्हें शाहरुख खान की बात सुननी है ना ही तुम्हें संदीप महेश्वरी की बात सुननी ना ही तुम्हें आचार प्रशांत की सुननी ना ही तुम्हें सदगुरु की सुननी तुम्हें किसी की बात नहीं सुननी है तुम्हें सिर्फ माइंड ऑब्जर्वर बनना है ये जितने भी लोग सक्सेसफुल हुए हैं ये पकड़ क्यों नहीं पा रहे हैं मैं क्यों पकड़ ले रहा हूं क्योंकि इनमें और मेरे में ये डिफरेंस है कि मैं माइंड ऑब्जर्वर हूं ये माइंड ऑब्जर्वर नहीं है इनको अभी भी गलत फहमी है कि आज दस करोड़ की पिक्चर हिट हो गई तो पचास करोड़ की पांच, पा, पचास हजार करोड़ की पिक्चर हिट होनी चाहिए तो वैसे ही जैसे कंप्यूटर बाइक लड़की सच्चा प्यार आईफोन का आपके अंदर डिजायर है राइट अरजीत सिंह बनने का डिजायर है अक्षय कुमार बनने का डिजायर है वैसे ही आपके अंदर शादी करने का भी डिजायर होगा और बच्चे पैदा करने का भी डिजायर होगा कि बच्चा पैदा होगा उसकी उसकी और मेरी आंखें मैच करेंगी हम दोनों साथ में खेलेंगे मैं उसको अच्छी परवरिश दूंगा ये करूंगा हम सिर्फ पॉजिटिव साइड देखते हैं हम जब भी डिजायर पूरा नहीं होता यानी हम डिजायर को परस्यू करते हैं और इमेजिन करते हैं कि मुझे शादी करनी है और हम सिर्फ उसका पॉजिटिव साइड देखते हैं क्योंकि ये दुनिया तुम्हें पॉजिटिव साइड ही दिखा रही है कोई भी बॉलीवुड बॉलीवुड सेलिब्रिटी नेगेटिव साइड नहीं दिखा सकता क्योंकि अगर वो नेगेटिव साइड दिखाएगा तो लोग उसको कहेंगे कि क्या बकवास जिंदगी है हर एक इंस्टाग्रामर को अगर आप इंस्टाग्राम पे हो तो यू आर एन इंस्टाग्रामर हर एक इंस्टाग्रामर को यह गलत फहमी है कि उसकी रील वायरल हो जाएगी तो उसकी जिंदगी में एक्साइटमेंट होगा खुशी होगी ठीक है अब मैं क्या कह रहा हूं मैं क्या कह रहा हूं मैं यह कह रहा हूं कि ना तुम मेरी सुनो ना तुम किसी बॉलीवुड सेलिब्रिटी की सुनो ना तुम इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर की सुनो किसी की मत सुनो तुम्हें सिर्फ माइंड ऑब्जर्वर बनना है मेरे और बॉलीवुड सेलिब्रिटी में इंस्टाग्राम सेलिब्रिटी में डिफरेंस यही है कि मैं माइंड ऑब्जर्वर हूं अब ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्वेशन का महत्व क्या है यह भी समझना बहुत जरूरी है यहां पे समझ लेना ध्यान से यहां तक अटेंशन बढ़ा लो अपनी क्योंकि बहुत जरूरी है ये पॉइंट बहुत जरूरी है कि हर किसी को समझ में क्यों नहीं आता है केवल मेरे को और कुछ कुछ चार पांच लोगों को क्यों समझ में आया या चार सौ लोगों को क्यों समझ में आया दुनिया में इतने लोग हैं सिर्फ चार सौ लोगों सौ लोगों क्यों समझ में आ रहा है मुझे बाकी को क्यों नहीं समझ में आ रहा अब समझने की कोशिश करना क्योंकि वो माइंड ऑब्जर्वर नहीं है अब माइंड ऑब्जर्वेशन का कैसे इसमें रोल आता है ये भी समझने की कोशिश करो जब आपने एक डिजायर बनाया कि मुझे कंप्यूटर लेना है तो मैं वाई सिटी से खेलूंगा सेंड्रियास खेलूंगा मजा आएगा लाइफ सेट हो जाएगी ठीक है ये आपका इमेजिनेशन है अभी तब आपने अपनी मेंटल स्टेट मेजर करिए कि कंप्यूटर लेने से पहले मेरे मेंटल में मेरे ब्रेन में मेरे माइंड में क्या चल रहा था ठीक है और जब ले लिया तो आपने मेंटल स्टेट मेजर करी दोनों की मेंटल स्टेट मेजर करी मेंटल स्टेट मेजर करने का मतलब क्या है कंप्यूटर से पहले तुम्हारे मन की स्थिति क्या थी कंप्यूटर खरीदने के बाद तुम्हारे मन की स्थिति क्या थी दोनों को तुमने भेदा डिफ्रेंशिएट किया लेकिन 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 अगर तुमने कभी पूरी जिंदगी में पहली जो स्टेट है पहली मेंटल स्टेट है उसको बारीकी से ऑब्जर्व ही नहीं किया होगा तो सेकेंड मेंटल स्टेट यानी पोस्ट कंप्यूटर दोनों को भेदोगे कैसे मतलब दोनों को मेजर कैसे करोगे समझ में आई बात एक आदमी जो देख रहा है कि शादी से पहले मुझे ऐसा लग रहा है शादी शादी का एग्जाम्पल लेते हैं शादी से पहले मुझे लग रहा है शादी हो जाएगी तो मजा आ जाएगा लाइफ एक्साइटिंग होगी इस लड़की ये लड़की मिल जाए ये लड़की मिल जाए ना पार्थ ये मोनिका से शादी करा दो मेरी यार मोनिका अगर मिल गई ना मेरी लाइफ सेट है मोनिका 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 पागल हो गए पड़े मोनिका के चक्कर में दुनिया से लड़ जाऊंगा इससे लड़ जाऊंगा उससे तो उस लड़के को क्या लग रहा है उस लड़के की मेंटल स्टेट क्या है कि मोनिका मिल गई तो लाइफ सेट है लेकिन जब मोनिका मिल गई तो दो साल बाद देखा कि यहां तो कुछ भी नहीं है शुरू के एक साल में खूब सेक्स किया खूब मानसिक सपोर्ट दिया इमोशनल सपोर्ट दिया मोनिका ने भी मैंने भी अब तो वो लूप में चला गया है और जैसे ही वो लूप में गया वो रेपिटेटिव है अब मुझे दूसरी लड़कियों के अंग आकर्षित कर रहे हैं और करेंगे ही क्योंकि माइंड को फिर गलत फहमी होती है कि ये छोटे ब्रेस्ट थे अब बड़े ब्रेस्ट वाली लड़की चाहिए अब उसको दबाएंगे उसमें मजा करेंगे क्योंकि वो करेंगे तब मजा आ जाएगा तो अब समझने की कोशिश करना शादी से पहले तुम्हारे मन की क्या स्थिति है अगर तुमने ये ऑब्जर्व नहीं किया उसको रजिस्टर नहीं किया अपने कॉन्शियस माइंड में तो शादी के बाद जो सिचुएशन बनेगी जो डिजायर बनेगा जो नॉट डिजायर जो सिचुएशन बनेगी जो मेंटल स्टेट बनेगी उनको आपस में दोनों को पहला मेजर और दूसरा मेजर कैसे करोगे आप मतलब पहली मेंटल स्टेट और दूसरा मेंटल स्टेट मेजर करने के लिए रजिस्ट्रेशन भी तो होना जरूरी है इस रजिस्ट्रेशन को ऑब्जर्वेशन बोलते हैं आपके मन में क्या चल रहा था आपने शादी से पहले देखा और जब शादी हो गई शादी की जो वास्तविकता थी वो आपके सामने आ गई और तब आपने देखा और दोनों को भेदा दोनों को तुम तभी भेद पाओगे फिर से बोल रहा हूं दोनों को तुम तभी भेद पाओगे जब पहली वाली रजिस्टर हो यानी शादी के पहले की मेंटल स्टेट और शादी के बाद की मेंटल स्टेट तुमने भेदा अब तुम्हें रियलिटी समझ में आ गई शादी के पहले मेरी मेंटल स्टेट क्या थी कि मैं एक इमेज बना के बैठा हुआ था शादी की वो इमेज क्या थी कि शादी हो जाएगी यहां घूमेंगे वहां घूमेंगे लड़की मेरी जिंदगी में आ जाए मज़ा है मजा है मजा है मजा है और जैसे ही शादी करी तुमने तो एक साल तक सब सही था ये भी तुमने ऑब्जर्व किया ये ड्यूरेशन कहां से आ रही है अरे जो साला ऑब्जर्व करेगा वही तो बता पाएगा ना कि एक साल बाद आता है छः महीने बाद आता है कि दो साल कि सौ साल बाद आता है पचास साल बाद ये कैसे आ रही है ये ऑब्जर्वेशन कैसे आएगी तुम्हारे अंदर जब तुम देखोगे ना बारीकी से तब तुम्हें समझ में आएगा कि एक साल बाद आता है ये मामला तो मेरे साथ ये हो चुका है तो मैं अपनी ऑब्जर्वेशन आपको बता रहा हूं एक साल बाद जो लड़की है उससे तुम्हें एक्साइटमेंट मिलना सुख मिलना वही जो सुबह आप टी शर्ट उतारोगे और वो शरीर देखोगे आपको कोई एक्साइटमेंट नहीं होगा आप कहोगे इससे अच्छा मैं पौन खोल के देख लेता हूं वहां ज्यादा अच्छे ब्रेस्ट है ना अब मैं कहीं किसी को वो नहीं कर रहा हूं किसी लड़की को मैं ऑब्जेक्टिफाई नहीं कर रहा हूं प्लीज सॉरी ओके मैं सिर्फ एक सिचुएशन बता रहा हूं और यही चीज थी, यही चीज लड़की के साथ भी हो सकती है लड़कियों के साथ क्या होता है कि वो बेचारा सब कुछ कर रहा है लेकिन लड़कियों को फिर भी लगता है ये कमी है वो कमी है वो कमी वो कमी वही वही चीज है आपको भी लगता है ये कमी है जबकि वो लड़की की गलती नहीं है ना लड़के की गलती है गलती आपके मन के व्यक्तिगत स्थिति की है यानी जो मन है आपका उसकी उसका उसकी पर्सनैलिटी क्या है वो आपको कभी समझ नहीं आई और मन की पर्सनैलिटी समझने के लिए मन की कैरेक्टरिस्टिक मन का नेचर समझने के लिए मन को ऑब्जर्व करना पहले ज़रूरी है कि जैसे मैंने फॉर एग्जाम्पल मेरे अंदर एक डिज़ायर उठा कि मैं शादी कर लेता हूँ फिर से समझा रहा हूँ सुन लो ध्यान से कि मैं शादी कर लेता हूँ तो मेरी लाइफ सेट है यह तुमने इमेजिन किया अभी ये रियलिटी नहीं हुआ है ये वास्तविकता में परिवर्तित नहीं हुआ है अभी ये लेकिन तुमने सोचा कि मैं एक रेंज रोवर ले आऊंगा तो वो जो रेंज रोवर कार है उसको देख के सब मेरे से जलेंगे और मैं उसमें बैठूंगा ट्रैवल करूंगा उसकी लेदर सीट उसकी कार की सीट उसकी ये सीट उसकी ये लाइट आपने सोचा लाइफ एक्साइटिंग हो जाएगी लेकिन द मोमेंट यू बॉट रेंज रोवर तो शुरू के पांच छह दिन लोगों ने बहुत आपकी वाई वाई करी लेकिन उसके बाद फिर क्या हुआ लूप में चला गया अब आपको लोग देख के हंस रहे हैं अप्रिशिएट भी कर रहे हैं आपको आपसे जल भी रहे हैं आपको वही चाहिए था लेकिन आपको वो मजा नहीं दे रहा है आपको शुरू में चार पांच दिन आपको सेटिस्फाई कर रहा था तो यहां पे ये समझना जरूरी नहीं है कि रेंज रोवर ले, नहीं लेना है या 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 शाहरुख खान नहीं बनना है या या कुछ कुछ बनना नहीं है कुछ यहां पे ये नहीं समझना है यहां पे मैं माइंड ऑब्जर्वेशन की बात कर रहा हूं दोनों स्थिति को भेदने के लिए पहली और दूसरी स्थिति का ऑब्जर्वेशन करना बहुत ज़रूरी है यहाँ पे आपके उस बड़े प्रश्न का आंसर निकल के आ जाता है वो उत्तर निकल के आ जाता है वो कंक्लूजन निकल के आ जाता है कि बॉलीवुड सेलिब्रिटी या हॉलीवुड सेलिब्रिटी या बड़े बड़े जो ऑन्टोप्रेनोर हैं वो कभी आके सामने बोलते क्यों नहीं है वो इसी वजह से नहीं बोलते क्योंकि वो ऑब्ज़र्व नहीं कर रहे हैं तो वो एक ही मिस्टेक बार बार कर रहा है वो एक ही मिस्टेक बार बार आज उन्होंने हॉन्डा खरीदी कल उन्होंने रेंज रोवर खरीदी परसों उन्होंने बीएमडब्ल्यू खरीदी तरसों उन्होंने रोल्स रॉयज खरीदी फिर रोल्स रॉयज के बाद उनका टारगेट है प्राइवेट जेट लेना है आज आज दिल्ली में बिजनेस बढ़ाया फिर बिहार में ले गए फिर यूपी में ले गए फिर ऑल ओवर इंडिया लेके जाना है फिर उसके बाद पा, पाकिस्तान नेपाल लेके जाना है फिर अपने टेरिटरी एक्सपैंड करनी है ये सोचते हुए कि ये कर लेंगे तो मजा आने वाला है सोचते हुए कि एक्साइटिंग हो जाएगा मामला लेकिन एक्साइटमेंट होता तो है पर सिर्फ दो तीन महीने का होता है और फिर आप बैक टू स्क्वायर वन तो एक व्यक्ति को कोई नहीं समझा सकता ना मैं समझा सकता हूं ना शाहरुख खान समझा सकते हैं आपको सिर्फ और सिर्फ आप ही समझाओगे और आपको तब समझ में आएगा जब आप ऑब्जर्वेशन करना सीख जाओगे तब कि आपको कंप्यूटर पे ही समझ में आ जाना चाहिए आपको सुपर कंप्यूटर खरीदने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए आपको होंडा सिटी पे ही समझ में आ जाना चाहिए आपको रोल्स वॉइस लेने की कोई जरूरत नहीं है आपको दिल्ली में ही बिजनेस करने में समझ में आ जाना चाहिए आपको ग्लोबल बिजनेस नहीं करना चाहिए और यहां पर मैं ये नहीं कह रहा हूं यह सब खरीदना नहीं है और यह सब करना नहीं है मैं फिर से बोल रहा हूं मैं इसके अगेंस्ट नहीं हूं मैं तुम्हारी अप्रोच के अगेंस्ट हूं कि जो तुम सोच के करते हो ना वो सोच गलत है वो इमेज गलत है वो प्रीरकेसाइट इमेज बनी हुई है वो झूठी इमेज है वो इमेज की प्रॉब्लम है ऐसे ही ये आपके डिजायर हो गए फिर आपके सोसाइटी के डिजायर होते हैं आपके घर वालों ने बोला बेटा एक घर तो होना ही चाहिए एक घर तो होने, तो होने, घर तो होने आपकी बीवी बोल रही एक घर ले लो एक घर ले लो अब आप चाहो तो घर ले सकते हो आपका सिविल स्कोर अच्छा है अब ध्यान देना ठीक है आपका सिविल स्कोर अच्छा है बैंक वाले आपसे बोल रहे हैं ले लो ले लो ले लो ले लो लो ले बोल रहे हैं ठीक है आपकी वाइफ भी बोले ले लो ना एक घर हो जाएगा तो अच्छा है ना अब देखिए आपके अब घर कितने का एक करोड़ का है ध्यान देना फिर से मैं बोल रहा हूं ध्यान दो एक करोड़ रुपए का घर है आपके अकाउंट में कितने पड़े बीस लाख रुपए। डाउन पेमेंट कितनी देनी है पंद्रह लाख रुपए। बचेंगे कितने पांच लाख रुपए। कमाते कितना हो दो लाख रुपए महीना अब ऐसी सिचुएशन में आपको मेजर करना पड़ेगा क्या मेरे पास और भी उपाय हैं या मेरे पास और तो ई नहीं है और अगर मेरी नौकरी चली गई तो मैं क्या करूँगा तो आपको मेजर करना पड़ेगा कि जो ये मैं जुआ खेलने जा रहा हूं इस जुए में रिस्क कितना है क्या ये कैलकुलेटेड रिस्क है या फिर ये डिजायर बेस्ड है तो आपको देखना पड़ेगा कि यार अगर मैं साला नौकरी चली गई तो मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा और अभी तो अभी तो सब कुछ अच्छा चल रहा है रेंट पे रह रहे हैं ये लोग बोल रहे हैं घर वाले बोल रहे हैं मम्मी बोल रही हैं और पापा बोल रहे हैं और बेटा ये भी बोल रहे हैं और सला अगर कहीं पे नहीं दे पाया मैं पच्चीस हज़ार रुपये महीने की किस्त बनेगी प्लस साथ ही साथ मेरी कार की किस्त भी चल रही है ई चल रही है और उसके बाद फिर मेरे बेटे को भी स्कूल पढ़ाना ये भी करना बहुत सारी चीज़ें मेरे पास महीने का दो लाख रुपये में दो लाख रुपये की सैलरी है महीने में मेरे पास सला बस्ता है पचास हज़ार रुपये अब उसमें पच्चीस हजार मैं ये बांध दिया और ये कब तक देना है पंद्रह साल तक तो अब आपको देखना पड़ेगा कि जो आप जुआ खेलने जा रहे हो कितने बड़े रिस्क का है मेरे हिसाब से अभी आपको घर नहीं लेना चाहिए एक करोड़ रुपए का क्यों अब आदमी डिजायर बेस्ड एक्शन नहीं लेता है क्योंकि उसको पता है कि घर लेके भी कुछ होने वाला नहीं है कुछ बाहर नहीं लेंगे ये लोग बस खुश हो जाएंगे मेरी पत्नी खुश हो जाएगी कुछ अच्छा सेक्स कर लेगी ब्लो जॉब दे देगी थोड़ा अच्छा से और क्या और मेरे घर वाले खुश हो जाएंगे वाह वाही कर देंगे हमारे बेटे घर ले लिया ये सब कुछ है आपने पहले ही कंप्यूटर खरीद के देख लिया है कि ये जो मम्मी पापा खुश हो जाएंगे या बीवी ब्लो जाऊब ना ब्लोजॉब में कुछ रखा है और ना ही आपके मम्मी पापा खुश हो जाएंगे उसमें कुछ रखा हुआ है क्योंकि आपके मम्मी पापा तो चाहेंगे कि बेटा एक और बच्चा कर लो एक और घर घरी लो अब यहां ले लो आपको देखना है कि मैं अगर मरा नहीं दे पाया तो मेरी फ्रीडम कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी फ्रीडम बहुत जरूरी है आपको कैलकुलेट करके रखना आप लोग ना क्या करते हो आप लोग डिजायर को ऊपर रखते हो यह प्रॉब्लम है तुम लोगों की यह प्रॉब्लम है माया की माया मतलब क्या गलत फहमिया हर एक डिजायर को कंप्लीट करने के बाद एक और डिजायर की धारणा बनती है यह सोचते हुए कि अब एक और बड़ा वो डिजायर बन जाएगा तो जिंदगी मस्त हो जाएगी क्यों बार बार तुम डिजायर बनाते जा रहे हो क्यों क्योंकि तुम एक ही डिजायर को अगर ऑब्जर्व कर लो अंकल अगर एक डिजायर को ऑब्जर्व सिर्फ कंप्यूटर खरीद के तुम समझ सकते हो कि भैया रियलिटी क्या है कंप्यूटर की जो मन में तुम्हारे कंप्यूटर खरीदने से पहले रियलिटी बनी हुई थी और कंप्यूटर खरीदने के बाद जो वास्तविकता दिखी वो तो भाई जमीन आसमान का अंतर था मतलब मतलब पार्थ सिंह ये कह रहा है वास्तविकता कुछ और होती है और मन की वास्तविकता यानी झूठ यानी असत्य इसको माया बोलते हैं आपका मन हर एक डिजायर को पूरा करने के बाद एक और डिजायर क्यों बना लेता है क्योंकि आपको गलत फहमी होती इस गलत फहमी को माया बोलते हैं अब क्या करना है आप सुनो ध्यान से ना बड़ा कोई सेलिब्रिटी आके बोल रहा है ना कोई बिजनेसमैन बोल रहा है ना कोई करोड़पति बोल रहा है ऊपर से दिखा अलग रहे हैं कि देखो हम ये हम वो हैं क्योंकि वो खोखले हैं अंदर से और द मोमेंट दे विल टेल यू ना कि हमारी हजार करोड़ की पिक्चर रिलीज हो गई और उससे कुछ नहीं हुआ हमारे अंदर अभी भी जिंदगी में झंड है और जिंदगी जो है उसमें दर्द है दुख है प्रॉब्लम्स हैं और स्ट्रेस है और एंग्जाइटी है रेस्टलेसनेस है माइंड बकवास हो गया है और ज्यादा अगर ये उन्होंने आपको बता दिया तो अब आप उनको प्रेस क्यों करोगे वो तो पावर छिन गई ना उनकी एक आदमी के पास वही तो सहारा है और कोई सहारा तो है नहीं ये गलत फहमी पैदा करके आदमी जी रहा है क्योंकि सामने वाला कुछ और सोच रहा भगवान समझ रहा उसको कि हमको यहां पहुंचना है अब वो कभी नहीं बताएगा आपको क्यों क्योंकि उसके पास वो पावर छिन जाएगी उसकी द मोमेंट यू नो कि सेलिब्रिटीज या जो भी कुछ भी बड़े बड़े लोग हैं ऑनटेबल बताते क्यों नहीं है यह प्रॉब्लम और पहली चीज तो इनको खुद भी क्लियर नहीं है सही से क्योंकि इन्होंने ऑब्जर्व नहीं किया है तो बताएंगे क्या खाक कुछ ऐसे लोग हैं जो बताते हैं कृष्णमूर्ति हो गए वो भी अमीर थे संदीप हैं वो भी अमीर हैं कुछ लोग बोल देंगे आके साफ साफ आपको विवेक बिंद्रा नहीं बोलेंगे क्यों क्योंकि पहली चीज तो माइंड ऑब्जर्वेशन नहीं है था ही नहीं कि मैं जब भिखारी था तब मेरी क्या मेंटल इमेज थी दुनिया को लेके और आज मैं अमीर हूं तब मेरी क्या हालत है मेंटली तो दोनों ही सिचुएशंस में तुम अपनी मेंटल स्टेट को बेहतर करना चाहते हो एक्साइटिंग करना चाहते हो शांत करना चाहते हो खुशी चाहते हो संतुष्टि चाहते हो ना और ये दोनों ही स्टेट में तुमको नहीं मिल रहा है ये प्रॉब्लम है तो विवेक बिंद्रा आपको इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि विवेक बिंद्रा या कोई भी दूसरा मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं बट मैं ले रहा हूं जिससे आपको समझ में आए लेकिन उनको समझ नहीं आता फिर आदमी भगवानों के पास जाता है टेंपल जाता है वहां पर शांति मिल जाए दरगाह जाता है वहां पर शांति मिल जाए माथा टेकता है वहां शांति मिल जाए लेकिन शांति मिल मिलती नहीं है क्योंकि जितना ज्यादा आदमी धार्मिक होता जा रहा है उतना ही ज्यादा आदमी अशांत होता जा रहा है आप सोचो आज भगवान की पूजा सौ गुना ज्यादा बढ़ गई है क्यों कर रहा है आदमी भगवान की पूजा क्योंकि वो कहीं ना कहीं सोचता भगवान हमें सद्बुद्धि देगा हमें हमारी जीवन को अच्छे से चलाएगा लेकिन आप तो और मतलब ही होते जा रहे हो दुनिया तो और क्रोधित होती जा रही है दुनिया और मतलब ही होती जा रही है आज तुम दरवाजा नॉक करो तुमको लात मार के भगा देंगे लोग और सिर्फ तुम्हें खाना मांगना है तुम्हें यह कहना है भैया हमको रोटी दे दो, दो भूख लग रही लात मार के भगाएंगे भाग्या से और आज से दो सौ साल पहले या सौ साल पहले भी आज से सौ साल पहले तुम किसी भी ब्राह्मण के उस पर नॉक करो कभी भी आदमी भगाएगा नहीं आपको आपको घर में बैठ के खाना खिलाएगा और आज से दो सौ तीन सौ साल पहले तो और अच्छा था तो पूजा भयंकर हो रही है और धार्मिक आदमी और होता जा रहा है और फिर यही गलतफहमी हो रही है उसको कि हम जितना ज्यादा मंदिर में जाएंगे उतना ही भगवान हमें सद्बुद्धि देगा जबकि भगवान ने साफ साफ भगवत गीता में बोल दिया है कि तुम्हारा नियंत्रण तुम्हारे मन पर तुम्हारा स्वयं का नियंत्रण है मेरा कोई नियंत्रण नहीं है लेकिन आदमी इस गलत फहमी में जाता है कि हमें शांति मिल जाएगी जबकि अशांत हो जाता है आदमी और जाके वहां पर हां थोड़ी देर शांति मिलती है लेकिन फिर और मतलब ही और क्रोधित और और रोडरेज और मारपीट और मां बहन और लड़ाई झगड़ा इसको मत डा इसने कैसे कर इसने ऐसे कैसे बोल दिया ये उसको मत डालूंगा ये कर डालूंगा इसने इस... तलाक डाइवोर्स रेट बढ़ते जा रहे हैं कोई साला पत्नी पति पत्नी साथ में नहीं रहने वाले मेरे से लिखवा कर लो दस साल में शादी का ट्रेंड खत्म हो जाएगा दस बीस साल में ब्रेकअप तो ऐसे होते हैं जैसे कि आदमी सुबह सुबह पॉटी कर रहा हो ऐसे बॉयफ्रेंड को निकालता है गर्लफ्रेंड को निकालता आदमी और जाता मंदिर है जबकि भगवान ने साफ साफ बोल दिया है कि हमारा तुम्हारे मन पे कोई नियंत्रण नहीं है तुम्हारी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा हो मेरा कोई ट्रीट उसमें नहीं है भैया आप, आपकी लाइफ आपकी योर लाइफ योर कर्मा तो अब बैक टू टॉपिक आते हैं आपने ऑब्जर्व किया पहली स्टेट आपने ऑब्जर्व किया दूसरी स्टेट अब आपने तीसरी स्टेट यानी कुछ और बनाया कुछ और डिजायर बनाया उसकी पहली स्टेट शादी की पहली स्टेट शादी की दूसरी स्टेट दोनों को ऑब्जर्व करना जरूरी है तभी तो समझ पाओगे ना तो अगर आपका ये सवाल लोग क्यों नहीं करते लोग स्पिरिचुअलिटी में क्यों नहीं जाते क्योंकि लोगों को अभी भी लग रहा है बाहर कुछ पड़ा हुआ है और बाहर वो हजार चीजें अचीव कर ले उनको नहीं समझ में आने वाला क्योंकि वो ऑब्जर्व ही नहीं कर रहे इस वजह से क्वेश्चनिंग से ज्यादा ऑब्जर्वेशन का रोल है क्वेश्चनिंग बाद में आती है क्योंकि जब आदमी देखेगा तभी तो क्वेश्चन करेगा ना कि जब आदमी देखेगा यार शादी से पहले तो मैं कुछ और सोच रहा था कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा मजा आएगा यहां जाएंगे वा... और शादी के बाद ये तो लूप हो गया है ये तो रेपिटेटिव हो गया है आज वही लड़की मेरे को अच्छी नहीं लग रही एक्साइटमेंट नहीं दे रही है दोनों स्टेट को आपने ऑब्जर्व किया बारीकी से अब आपने कहा कि अब क्या रास्ता है अब यहां से एक रास्ता खुलता है तीसरा अब वो रास्ता मैं इसे यहां डिस्कस नहीं करूंगा बट वो रास्ता है आत्मज्ञान का रास्ता तो अब आपको डिजायर से आप बाहर आ गए क्योंकि आत्मज्ञान में जाने के लिए वैराग वैरागी होना जरूरी है वैराग को अपनाना जरूरी है क्योंकि द मोमेंट विल अंडरस्टैंड हु ऑटोमेटिक आपके डिजायर जो है वो इच्छा में परिवर्तित हो जाएंगे इच्छा और वासना दो अलग अलग चीजें हैं डिजायर और विश दो अलग अलग चीजें हैं आपको विश तो है एक्टर बनने की आपको विश तो है शादी करने की लेकिन आप शादी करोगे फॉर द सेक ऑफ एक्सप्लोरेशन और एक ही बार करोगे बार बार नहीं करोगे क्योंकि जो आदमी बार बार रिपीट कर रहा है वो आदमी मूर्ख है वो ऑब्जर्व नहीं कर रहा है सौ करोड़ की पिक्चर दो सौ करोड़ आ गए तीन सौ करोड़ आ गए पचास हजार करोड़ का बजट हो गया लाख करोड़ का बजट हो गया समझिम नहीं आ रहा आपको फिर आप मर गए आपका बेटा कुछ और कर वही सेम चीज आपका बेटा कर रहा है और बेटा भी मरा फिर उसका बेटा कर रहा है वही चीज सेम चीज वही लूप फकिंग लूप क्योंकि हर चीज लूप में जा रही है ऑर्बिटिंग बोलते हैं उसको पृथ्वी भी ऑर्बिट करती है वैसे आपकी रूटीन ऑर्बिट हो रही है रोज तो अब रास्ता क्या है अरे रास्ते को मारो गोली कोई रास्ता वास्ता नहीं तुम्हारे लिए जब तक तुम्हारे अंदर एक्सेप्टेंस ही नहीं आता तो है हिम्मत एक्सेप्ट करने की और एक्सेप्ट नहीं करना है खुद अपने जीवन में झांक के अपने मन के अंदर देखना है जो अपने मन के अंदर तुम जाग के देखोगे तभी तो समझ में आएगा ना तुम्हारे मन की स्थिति दोनों सिचुएशन में क्या थी इसको बोलते हैं ऑब्जर्वेशन और ये ऑब्जर्वेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आत्मज्ञान को या वैराग को या इस दुनिया से मोक्ष पाने के लिए अपने डिजायर से मोक्ष पाने के लिए क्योंकि डिजायर की रियलिटी तो तुम्हारे मन में कुछ और बनी हुई है ना अब यहां पे मैं नहीं करूं डिजायर में बैड ए पार्थ ने बोल दिया सब छोड़ दो अरे बेवकूफ हो क्या कब मैं बोला छोड़ दो भाई मैंने कब बोला मैंने क्या बोला विश और डिजायर में डिफरेंस होता है डिजायर अगर कोई चीज आपका आप कुछ कर ही नहीं सकते ना आप बंधे हुए हो अपने डिजायर से कि आपको घर लेना घर लेना अरे क्या हो जाएगा घर लेके आपको पता है कि मैं कंप्यूटर लेके देख चुका हूं मैं बाइक लेके देख चुका हूं मैं शादी करके देख चुका हूं अब मैं घर लेके क्या देखूं भैया लेकिन जो आदमी अंधा है वो आदमी पचास से क्या हजारों चीजें उसको दिला दो उसको नहीं समझ में आने वाला अब समझ में आएगा जब आदमी को समझ में आ गया कि हां भाई यहां तो कुछ नहीं है ये तो माया जाल इसको माया माया मतलब क्या गलत फहमी यह तो गलत फहमियां हो, पैदा होती है हर एक डिजायर पे गलत फहमियां पैदा हो रही हैं अब आदमी डिजायर को इंपॉर्टेंस देना तो बंद करेगा ना फिर आदमी कहेगा बड़ा डिजायर क्या है उसको पकड़ो ना कि अगर ठीक है मैं डिजायर को अचीव करना चाहता हूं बिकॉज सेटिस्फैक्शन चाहिए लेकिन सेटिस्फैक्शन मिल नहीं रहा है तो अब क्वेश्चन यह आता है कि रियल सेटिस्फैक्शन कहां है तो अब यह क्वेश्चन आया है ना जब तुमने एक्सेप्ट किया नहीं तो अभी तो तुम औरतों की योनियों में ही खोए हुए हो मर्दों के लिंगों में ही खोए हुए हो तुम तो वहीं पड़े हुए हो तुमको तो बड़ी बड़ी कार्य चाहिए तुमको समझ ही नहीं आ रहा है तो अब जब समझ में आएगा फिर आगे यात्रा चालू होगी अब दूसरी यात्रा चालू होने वाली है तो माइंड ऑब्जर्वेशन इज द क्रैक्स ऑफ द पॉडकास्ट इस पूरे पॉडकास्ट में माइंड ऑब्जर्वेशन का बहुत ज्यादा महत्व है क्योंकि आप लोग को कंप्यूटर का ऑब्जर्वेशन है आई एम श्योर आप लोग मेरे से अग्री कर रहे हो और लैपटॉप का भी है और बाइक का भी है और लड़की का भी कहीं ना कहीं है तो क्या करना है अगर शादी का आपके अंदर गलत फहमी है या पैसे से लेकर गलत फहमी या फेम से यूट्यूब पर्सनैलिटी बनना इंस्टाग्राम इंफ्लुएंसर बनना है यह सब आपको गलत हो आपको बनना है आप करो करने से मना नहीं कर, और करना पड़ेगा पहला पहला जो हिस्सा है वो है माइंड ऑब्जर्वेशन और दूसरा जो इसका पार्ट है दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। पहला तो माइंड ऑब्जर्वेशन है दूसरा क्या है कि कंप्लीशन ऑफ डिजायर डिजायर को लात नहीं मारनी है सप्रेस नहीं करना है डिजायर को कंप्लीट करना है और दो तीन चार पांच बार कर लेना है कि चार पांच बार रिलेशनशिप में जाके देख लो बार बार कि अच्छा इस लड़की अब थोड़ी ऐसी लड़की होनी चाहिए अब ऐसी होनी अब ड्रीम गर्ल मिल गई उसके साथ भी जाके सब देख लिया तुमने अब तुम साला लगे हुए दो दो तीन तीन सौ लड़कियां एक सौ आठ गर्लफ्रेंड लाखों लड़कियां फिर तुमने तो अब एक और मैं इसको बंद करता हूँ यहाँ पे पॉडकास्ट को आखिरी बोलता हूँ बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को अगर मैं टारगेट करूँ तो आप देखो ये लोग ड्रग्स क्यों करते हैं क्योंकि इनको तो एक्टर बनना था ना इनके अंदर ये गलत फहमी थी या सही फहमी बोल सकते हैं कि मैं एक्टर बन जाऊंगा तो लाइफ सेट है अब तो तुम बहुत बड़े एक्टर बन गए हो और इतने बड़े एक्टर बन गए हो कि तुम तो भाई एकदम बिल्कुल इंटरनेशनल लेवल पे पहुंच गए हो तो तुम ड्रग्स क्यों ले रहे हो सिगरेट क्यों पी रहे हो दारू क्यों पी रहे हो तुमको तो उसी में से मजा आना चाहिए ना तुमको तो उसी में आनंद आना चाहिए था कि शूटिंग चल रही है पिक्चर आ रही है तुमको आनंद जब मिल गया तो तुम दूसरी चीज़ों में आनंद क्यों ले रहे हो मैं तुमको सच बताऊं ना तुमको सिगरेट से आनंद मिलता है इसी वजह से तुम दारू चालू करते हो ना तुमको दारू से आनंद मिलता है इसी वजह से तुम कोकेन चालू करते हो और ना तुमको हजार करोड़ की पिक्चर बनाने में सुकून मिलता है लेकिन तुमको समझ में कहीं नहीं आता क्योंकि तुम्हारे अंदर आंख नहीं है देखने की तुम देख तो रहे हो पर देख नहीं रहे हो तुम्हारे अंदर एक के बाद एक बड़े डिजायर बनते अब ये करना अब वो करना क्या करोगे बीस साल में मरने वाले हो तो कुछ ऐसा लेके जाओ ना मृत्यु के साथ जो जरूरी है जीवन क्या है ये ब्रह्मांड क्या है पृथ्वी क्या है कुछ कुछ तो समझो तुम्हारा एग्जिस्टेंस क्या है क्यों हो तुम यहां पे है ना तो ऑब्जर्वेशन जरूरी है ऑब्जर्वेशन से मोक्स मिल जाएगी क्योंकि ऑब्जर्वेशन करोगे फिर क्वेश्चनिंग आएगी फिर क्वेश्चनिंग से आंसर आएगा हो गया खत्म तो दो इंपॉर्टेंट चीजें याद रखना नंबर वन है ऑब्जर्वेशन नंबर टू है कंप्लीशन ऑफ डिजायर एट लेवल वन लेवल टू लेवल थ्री ये नहीं कि लेवल टू हंड्रेड आई होप आपको समझ में आया हो टेक केयर थैंक यू